हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, आज अपना बेटी का हेयरवाश करेंगे। आज तो आज बेटी क्या कर रही है सुबह से देख रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों तो देखिए घर का हालत, मेरी बेटी क्या कर रखी है ये सब, और साफ सफाई कर रही है। अपना डॉगी भी निकाली है, एकदम प्यारा सा, कितना दिन से ये गुम हो गया था ये डॉगी, और साफ सफाई कर रही है। बोल रही है कि ये वाला घर हम इसी में हम रहेंगे, और साफ सफाई में लगी हुई है। पूरा सोके सोके सपना साफ कर दिया, वो भी रिंग लाइट जला के साफ कर रही है। तो दीक्षा हेयर वॉश होगा तो हाँ, तो रेडी है? हाँ चलो हेयर वॉश होगा मेरा बेटी का। तो पूरा आज बेटी मेरा बिस्तर उस्तर पूरा सेट कर दिया, सहार के रख दिए। तो मेरा बेटी का स्टडी टेबल यहाँ पे आ गया है, पहले था यहाँ पे हैं, तो इसकी मम्मी उठा के यहाँ पे रख दी है। और मेरी बेटी थक गई है, थक के रेस्ट कर रही है, एकदम अभी आराम कर रही है, बहुत थक गई है। और ये फ़ोन देख रहे हैं, देखिए स्टाइल इनका फ़ोन देखने का। मेरा खाना मस्त, कढ़ी चावल और सब्जी, और इधर है रोटी। तो चलते हैं अब खाने, ये रेडी कर दिए हैं। ये भी थोड़ा सा डालेंगे उसमें, नारियल का तेल अच्छा होता है ना, तो इसी को नारियल को ही डालेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज गाड़ी का भी होगा वास, आप बेटी का भी होगा आज हेयर वास। तो गाड़ी पहले यहाँ पे लगा देते हैं अच्छा से, उसके बाद गाड़ी का, पहले बेटी का हेयर वास करेंगे, उसके बाद गाड़ी का हेयर वास करेंगे। गाड़ी इस पे आ गई, गाड़ी इसी पे बैठ जाएगी। आए थे जो जड़ी बूटी गांव से लाए थे, तो इतना बड़ा बड़ा हुआ है अभी। इसमें से थोड़ा छोटा छोटा पत्ता तोड़ेंगे और डालेंगे उस शैम्पू में, मिक्स करेंगे, आप लोगों को दिखाएं। दोस्तों देखिए पत्ता लाए हैं, इसमें डालेंगे शैम्पू में मिक्स, आप लोग दिखा रहे थे जड़ी बूटी। हेलो दोस्तों, तो आज बेटी का चलते हैं हेयर वॉश करने। तो आज बैठाएंगे बाइक पे, बाइक पे बैठा के ही हेयर वॉश हम करेंगे। और हम अपना शैम्पू रेडी करके अब चूल्हे पे डाल रहे हैं, इसके पानी और शैम्पू और वो पत्ता जो दिखाए थे वो मिक्स कर दिए इसी में, और नाखून से रगड़ रगड़ के कि चूल्हे के अंदर तक शैम्पू और वो पत्ता का रस अंदर तक जाए। चूल्हा लंबा लंबा है तो इसको धोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो दो ठो शैम्पू तीन ठो लग जाता है, और एक मग पानी लग जाता है झाग करने में इसको। उसके बाद आस्ते आस्ते झाग कर रहे हैं, हम धो रहे हैं बेटी का। तो बेटी बोल रही है कि नहीं, मेरे आँख में जा रहा है शैम्पू पानी, तो आज इसको नीचे नहीं बैठा है, इसीलिए कि बाइक पे बैठा देंगे, बाइक पे बैठा के धोएंगे तो अच्छा से इसका हेयर वॉश होगा। कहें कि हम भी खड़ा होकर हेयर वॉश करेंगे इसका चूल, और तो अच्छा से चूल लंबाई तक मिलेगा हाथ इसका मेरा। तो धो रहे हैं तो इसका चूल हेयर वॉश करके पूरा करते हुए हम एकदम नाखून से रगड़ के एकदम अच्छा से धो रहे हैं इसका चूल, रगड़ रहे हैं। काहे कि इसके स्कूल जाती है तो इसके चूल में बहुत सारा धूल मिट्टी पड़ जाता है। और मैं बाइक पे बैठ के हेयर वॉश किया था, लेकिन उसका वीडियो मेरी वाइफ बना नहीं पाई, तो वो धो हो गया। तो अब पानी से इसका चूल धो रहे हैं, अब पानी से धोने के बाद आस्ते आस्ते तो अब धो दिए हैं इस चूल को। और मेरी बेटी अब इसके बाद जाएगी अपने से चूल धोएगी और नहाएगी। तो इसके बाद हम बाइक को धो रहे हैं अपना, तो बेटी को बैठाए थे बाइक पे, तो पहले बेटी का हेयर वॉश किए, तो उसका जितना शैम्पू वम्पू बाइक पे गिरा था तो बाइक पे धुल जाएगा, तो एक चीज़ से दो काम। तो बाइक भी धुआ गया है यहाँ पे, धो के रेडी हो गया है। तो दोस्तों बाइक का हो गया हेयर वॉश, बाइक मेरा बहुत गंदा हो गया था तो इसको पोंछना है अभी। मेरी बेटी हेयर वॉश करके आ गई है, कंप्लीटेड हो गया है। और आज का हेयर वॉश कैसा लगा? अच्छा। अच्छा आज कुछ किस पे, चार चक्का पे बैठ के हेयर वॉश कराई? दो चक्का पे।